नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टेक्स्ट को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे किस तरह से सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में यहां पे टेक्स्ट टाइप करेंगे माउंटेन। अब इस टेक्स्ट लेयर से वीडियो को कवर करेंगे और वीडियो ड्यूरेशन से मैच करेंगे। अब इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके फॉन्ट चेंज करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन टूल का यूज करके टेक्स्ट को वीडियो फ्रेम पर एडजस्ट करेंगे। अब इस वीडियो क्लिप को कॉपी करके टेक्स्ट लेयर के ऊपर के ट्रैक पर रखेंगे। अब यहाँ पे ओपेसिटी में टॉगल एनिमेशन ऑफ करेंगे और ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे ताकि हम टेक्स्ट देख सके। यहाँ से मास्किंग की शुरुआत करेंगे और टेक्स्ट का जितना हिस्सा माउंटेन के पीछे की साइड है उतना हिस्सा हम पहले सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्केल 75% करते हैं ताकि सिलेक्शन एरिया ठीक तरह से दिखाई दे। अब इफेक्ट कंट्रोल में जाके पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और मास्क पथ का टॉगल एनिमेशन ऑन करेंगे और सिलेक्शन शुरू करेंगे। अब यहां से 1x1 पॉइंट रखते जाएंगे और सिलेक्शन करते जाएंगे। अब यहाँ पे स्केल 25% करके बाकी का सिलेक्शन पूरा करते हैं। अब फिर से स्केल 75% करते हैं और पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। अब फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ते जाएंगे और सिलेक्शन और माउंटेन के बीच के गैप को एडजस्ट करते जाएंगे। यह प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करनी है कि जब तक टेक्स्ट पूरी तरह से दिखाई ना दे, और यह सिलेक्शन थोड़ा टाइम लेगा तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। अब सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है और रेंडरिंग हो जाने के बाद इसे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।